हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे 10 रुपया का कंपनी, 10 रुपया का शेयर आज के डेट में 20,000 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, और कैसे दोस्तों 10 रुपये जैसे छोटे छोटे कंपनी आज के डेट में ब्लू चिप जैसे कंपनियों में शामिल है। और कुछ प्रूफ है ऐसे जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत लोग जो है आज के डेट में लाखों रुपया जो है मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि ओनली 10,000 रुपीज़ जो है आप इन्वेस्ट करके 741 करोड़ रुपीज़ जो है आप कमा सकते हैं। तो ओनली 10,000 आपके पास इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए था। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही डिस्कस करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में, जो कितने सारे बोनस दिए, डिविडेंड दिए, बायबैक दिए दोस्तों, और स्टॉक को स्प्लिट किए हैं, और आपका 1 लाख रुपया आज के डेट में आपको करोड़पति कैसे बना देता, और कौन से वो स्टॉक है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वो स्टॉक का जो है नाम बताना स्टार्ट करता हूं। तो पहली जो कंपनी है दोस्तों वो है कोटक महिंद्रा बैंक। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आज से 16 साल पहले ये कंपनी 10 रुपये के आसपास, मतलब एक पेनी स्टॉक्स नाम से जानी जाती थी दोस्तों। और आज आज के मतलब आपने अगर इसमें 16 साल पहले अगर आपने बस 1 लाख रुपया लगाया होता, तो आज दोस्तों इस स्टॉक का जो है वैल्यू हो जाता आपके लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपये के आसपास। अगर 16 साल पहले आपने अगर कोटक महिंद्रा बैंक में ओनली जो है 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्टमेंट किया होता। तो इसकी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए 2003, ठीक है दोस्तों, 2002, और यहाँ पर देख सकते हैं 2003 में यहाँ देखिए 500 है, 500 के बाद यहाँ 1000 है, मतलब दोस्तों यहाँ जो रेंज है अराउंड 500 का था। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ट्रेड किया करता था अराउंड 10 रुपये के आसपास। दोस्तों अगर आज से पहले जो है आपने 16-17 साल पहले इसमें पैसा लगाए होते, तो इसमें देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया दोस्तों। धीरे 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 देखिए देखने बहुत अच्छा जो है इसने परफॉर्म किया है। तो क्यों, और इसने दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है पैसा कहाँ पर बनाया, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता डिविडेंड और बोनस में। जो कंपनी दोस्तों सबसे ज्यादा डिविडेंड और बोनस देती है, वो कंपनी बहुत ही बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हम अभी रिसेंट 5 ईयर का जो है देख लेते हैं डिविडेंड और बोनस के लिए, बस उतना ही देखते हैं डिविडेंड और बोनस रिसेंट 5 ईयर का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए डिविडेंड, तो यहाँ देख लीजिए 2016 में, ठीक है, 10 का दिया, फिर देखिए 12 का दिया, फिर 14 का दिया, 8 का दिया, फिर 16 का दिया। ये क्या था दोस्तों, डिविडेंड, मतलब कि हर साल इसने जो है डिविडेंड दिया, और उसके साथ इन्होंने देखिए बोनस भी दिया। यहाँ पर देखिए बोनस के ऊपर अभी हम पता करते हैं, तो कैसा बोनस देती थी देखिए, तो आपको देखिए 4 ईयर का यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिया जा रहा है। यहाँ देखिए 1:1 बहुत अच्छा है दोस्तों, फिर से 1:1, फिर मान लेते हैं दोस्तों 3:2, चलिए थोड़ा सा कम है, ठीक है, लेकिन फिर से आपको 1:1। तो दोस्तों ये जो 1:1 है, अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको और 100 शेयर मिल जाएगा, मतलब आपके पास अब 2 हो गए। अब शेयर का प्राइस अगर 1 रुपया बढ़ा तो आपको 200 रुपया फायदा होगा, मतलब पहले जो है 100 रुपया, मतलब पहले जो आपको 1 रुपया फायदा होता था अब 2 होगा, ठीक है, अब डबल होगा आपका, उतना ही इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन आपका जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ प्राइस वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा स्टॉक है दोस्तों आइसा मोटर। आइस्टा मोटर जो है दोस्तों वो 20 सालों के अंदर, मतलब बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए ये 10 रुपये के आसपास ट्रेड होने वाला स्टॉक आज आप लोगों के सामने यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 20,000 के आसपास, मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर इसमें आप गए होते तो आज के डेट से दोस्तों मान लीजिए 20 साल पहले अगर आपने इसमें ओनली जो है मान लीजिए 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया, ओनली 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आज के डेट में दोस्तों 20 साल बाद आपको कितना प्रॉफिट होता आप सोच भी नहीं सकते। 25 करोड़ रुपया, मतलब 25 करोड़, इतना दोस्तों इन्वेस्टमेंट में पावर होता है। और देख लेते हैं इसने जो है इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखिए मैं आपका परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, यहाँ देखिए ऑल चार्ट में यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो जो कंपनी जब से ये ओपन हुई थी तब से यहां पर आपको चार्ट बता देगा। यहाँ पर देख लीजिए आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मतलब पूरा नीचे हुआ करता था 2000 में, देखिए 2001 में, 2002 में पूरा नीचे हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों यही स्टॉक देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 2014 से जब ये स्टार्ट हुआ दोस्तों अपर सर्किट मारना, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 30,000 को भी इसने जो है यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इसको भी क्रॉस करके ऊपर चला गया था, 30,000 से भी ऊपर। तो ऐसे होते हैं दोस्तों पेनी स्टॉक। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, अपना पैसा तो इन्वेस्ट करते ही हैं, उतना पैसा मान लीजिए कि आपके पास है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा
टाइम आपको इन्वेस्ट करना है। मतलब दोस्तों पेनी स्टॉक बहुत है, पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं, पेनी स्टॉक होता क्या है पहले मैं वो आपको बता देता हूं। पेनी स्टॉक वो होते हैं दोस्तों जो मतलब कि 10 रुपए के आसपास जो है ट्रेड करते हैं वो पेनी स्टॉक होते हैं, ठीक है। 10 रुपए के आसपास जो ट्रेड करते हैं वो ज्यादातर पेनी स्टॉक होते हैं। तो दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा स्टॉक अच्छा नहीं है? पैसे तो सब लोग लगा देते हैं, तो दोस्तों पैसे लगाने से पहले हमें 10 बार सोचना है और देखना है, 10 कंपनियों को देखना है, ये 10 कंपनी में से इसमें क्या परफॉर्मेंस है, इसका क्या परफॉर्मेंस है, आने वाले दिनों में कैसा ग्रोथ है, एज ए गोइंग कंसर्न है कि नहीं, ऐसी चीज हमें देखनी चाहिए। और अगर इसका डिविडेंड और बोनस का बात कर लेते हैं तो दोस्तों लाजवाब बोनस और डिविडेंड दिया है आप लोगों के सामने, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 4-5 सालों का यहाँ पर मैं आपको डेटा देख रहा हूँ। देखिए 500, 1000, 1100, 1250, मतलब बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर देखिए डिविडेंड ही अच्छा दिया, तो बोनस भी यहाँ पर देख लेते हैं। बोनस देखिए तो बोनस में थोड़ी बहुत कंपनी मार खा जा रही है। और एक दोस्तों स्टॉक है जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, वो है दोस्तों लुपिन लिमिटेड। यहाँ पर देख लीजिए लुपिन लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। ये भी आज से 18 साल पहले, मतलब कि दोस्तों 18 या 20 साल पहले ये जो स्टॉक का भाव हुआ करता था अराउंड 10 रुपये के आसपास हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अभी जो करेंट मार्केट प्राइस चला, देखिए 758 है, इससे भी मान लीजिए कि हाई प्राइस में ये गया था, तो इसका भी परफॉर्मेंस देख लीजिए बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों आज से मतलब कि 18-20 साल पहले ये भी कंपनी का जो भाव हुआ करता था दोस्तों 2 रुपये के आसपास ये ट्रेड किया करता था, 2 रुपये के आसपास इसने ये जो है ट्रेड किया करता था। अगर उस टाइम आपने 1 लाख रुपया अगर इस कंपनी में लगा दिया होता तो दोस्तों आज के डेट में आपको 4 करोड़ रुपया जो है ये निकाल के दे देता, अराउंड 4 करोड़ से भी ज़्यादा निकाल के देता, लेकिन मिनिमम आपको 4 करोड़ निकाल के देता। और इसका परफॉर्मेंस का बात देख लीजिए दोस्तों 2008 से जब ये उठना स्टार्ट किया, देखिए यहाँ से धीरे धीरे जब इसने उठना स्टार्ट किया तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों, यहां देख सकते हैं 2000 के आसपास भी इसने टच किया था, तो दोस्तों परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहा था। तो हमें, मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कि दोस्तों पेनी स्टॉक तो बहुत है, लेकिन हमें ढूंढने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो आप जितना स्टडी कीजिएगा, जितने स्टॉक कंपनी के बारे में, कंपनी का परफॉर्मेंस देखिएगा, जितना डीप जाइएगा उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, उतना ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखिए ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप हर एक चीज देख सकते हो, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो मनी कंट्रोल है, आपके पास NSE का वेबसाइट है, वहां पर हर जगह बहुत सारे मार्केट मौजूद है जहां आप बहुत सारे वेबसाइट है, बस आपको देखना स्टडी करना चाहिए तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखा जाएगा। और ऐसे ऐसे भी कंपनियां आप ढूंढ लोगे जो आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। और एक बहुत ही मशहूर कंपनी है दोस्तों, वो तो आप जानते ही हैं क्योंकि वो राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में होने के वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, वो है टाइटन कंपनी। यहाँ पर देख सकते हैं तो टाइटन भी आज से 20 साल पहले ये जो है 2 रुपये 10 रुपये के आसपास के भाव में ट्रेड किया करता था, लेकिन उसके बाद ये देखिए 1900 या 2000 के आसपास ने इसने जो है हाईएस्ट बनाया था। और यहाँ पर देख लीजिए अभी जो इसका करेंट प्राइस चल रहा है दोस्तों, अभी तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस का बात किया जाए दोस्तों, आज से 20 साल पहले अगर आपने इस कंपनी में पैसा लगाया होता तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया डाला तो दोस्तों यहां पर कम से कम आपको 3 करोड़ 64 लाख रुपये यहां से आपको निकलता। तो ये होता है दोस्तों होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट का पावर जो आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ला के देगा, लेकिन आप लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। देखिए टाइटन कंपनी भी दोस्तों आज से 20 साल पहले देखिए जब 2-4 रुपये में ट्रेड किया करता था तो धीरे धीरे अप डाउन जाता था। देखिए 2000 में यहां से, ठीक है 2000 से जब स्टार्ट हुआ तो देख सकते हैं यहां पर, देख 2010 तक, मतलब कि 10 सालों के आसपास, ठीक है 10 सालों के आसपास इसने कुछ नहीं दिया, लेकिन जब ये स्टॉक चलना स्टार्ट किया तो यहां पर देख सकते हैं बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो देखिए मैंने आज आप लोगों को कुछ ऐसे ऐसे स्टॉक बताए हैं जो बहुत छोटे थे लेकिन आज के डेट में दोस्तों ब्लू चिप कंपनियों में से एक है। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना चाहिए, पैसे तो आप लगा ही दोगे या कहीं से मान लीजिए आपके पास है, और बहुत सारे तो ऐसे भी कंपनी हैं जहाँ पर आप जो है ओनली 10,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट करके आप 700, मान लीजिए कि 700 करोड़ रुपए आपके पास होते, लेकिन हाँ इसमें आपको 40 इयर्स लग जाता। लेकिन दोस्तों ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, जब आपके हाथ में एक बार आ जाएगा तो दोस्तों आपका पूरा लाइफ सक्सेस हो जाएगा। लेकिन उस लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए हमें बहुत सारे कंपनियों के ऊपर स्टडी करना चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों इस कंपनी का परफॉर्मेंस याद दिखा, यहाँ पर देखिए ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कौन सा है दोस्तों, विप्रो है, ठीक है
गया है विप्रो, और यहाँ पर देखिए ईयर दिया है, एक्शन दिया हुआ है, और मतलब यहाँ पर आपको फेस वैल्यू बताया गया। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे स्टॉक जो है इतना अच्छा रिटर्न दिया, तो इसने देखिए बोनस भी दिया, बहुत अच्छा बोनस दिया, 1:1 का, 1:1 का, ठीक है। और देखिए ये स्टॉक स्प्लिट भी हुआ, तो मतलब दोस्तों स्टॉक स्प्लिट भी होता था, बोनस भी देता था, डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता था। तो ऐसे कंपनियों को आपको ढूंढना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने के पीछे एक पर्पस था कि आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल सके कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, कंपनी है जो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, और आपको एक्चुअल में शेयर मार्केट का पावर पता चल सके। तो आप जितना अच्छा स्टडी करोगे उतना अच्छा कंपनी आपको मिलेगा, और उससे भी ज़्यादा आप जो इन्वेस्टमेंट करके कमा लोगे। तो ये है दोस्तों परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये लाल वाला बटन को क्लिक करके, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों आने वाले अगले वीडियो में, इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो लाने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है।